लॉ कंप्लीट होता है, लॉ कंप्लीट करने के बाद आप किसी सीनियर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूं, मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस करूं, प्रैक्टिस में आऊं, इस फील्ड में आऊं, आप थोड़ी सहायता करते हैं, थोड़ा मुझे गाइड करें और जो काम है लीगल काम है उसको सिखाएं। देखिए मैं आपको एट द वेरी आउटसेट में बताना चाहूंगा, कोई भी एडवोकेट आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। तब आपके जो सीनियर हैं बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ और सीखो। यदि आप उन्हें यह बोलें कि सर दो चार यदि बीच में मेरे जो केसेस आएंगे क्या मैं उसको इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ या फिर आपके साथ ही कर सकता हूँ, मतलब शेयरिंग बेसिस पे कर सकता हूँ, क्लाइंट मेरे होंगे तो शेयर करके कर सकता हूँ क्या, ज़्यादातर जो सीनियर हैं वो मना कर देंगे, नहीं तुम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तुम अपने केसेस नहीं ले सकते हो, मेरे जो केसेस हैं तुम उसको करो, बदले में जो भी पेमेंट करेंगे दैट इज़ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन क्वेश्चन तो वहीं पे है कि यदि तुम सिर्फ उन्हीं का केस करते रहोगे तो अपना खुद का प्रैक्टिस कब शुरू करोगे। यदि मान लेते हैं कि यदि तुम 4-5 साल तक किसी सीनियर के अंडर काम करते रहोगे, सीखोगे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सीखोगे, लेकिन क्लाइंटेज कहाँ से बनाओगे, कैसे होगा? तो देखो ध्यान रखना, ये मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मैंने खुद झेला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब भी सीनियर के पास ज्वाइन करें बिल्कुल क्लियर करना इस बात को कि साहब इक्का दुक्का 2-4-5 केस यदि आ गए ना सर तो मुझे उसे इंडिपेंडेंटली करने देना, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा मैं आपका सलाह ले लूँगा, जो फी बनेगा आपको दे दूँगा, शेयर कर दूँगा, लेकिन मुझे अपने से करने देना, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन में यदि 4-5 साल में यदि 10-20-25 क्लाइंट भी आते हैं और खुद से करते हो तो 6ठे साल खुद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तो कर सकते हो। अदरवाइज 5 साल बाद क्या होगा तुम्हारा स्टेटस, काम सीख तो लोगे लेकिन क्लाइंटेज कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा और एक दिन में नहीं बनता है। तो ध्यान रखना और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट।